दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 30 जनवरी 2022 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा धनु राशि के ही रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि शुक्र का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन विशेष और बहुत ही खास स्थितियां बन रही हैं। शुक्र के नक्षत्र के चंद्रमा आपके लिए एक बहुत ही जगमगाता हुआ सितारा, कोई बहुत ही आपका चहेता व्यक्ति आपके करीब आएगा। आज के दिन आपके प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। जो भी व्यक्ति आपके साथ में बातचीत करेगा उसका आपके प्रति रुझान भी बढ़ेगा और बहुत ज्यादा आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास से ही एक अच्छी फ्रेंडशिप या आगे के रिश्ते की शुरुआत होती है। तो ये आज का दिन आपके लिए काफी नवीन रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है, लव लाइफ में अगर कोई गलतफहमी बन गई थी तो वो गलतफहमी दूर होगी और आपको बहुत ज्यादा पार्टनर का प्यार मिलेगा, बहुत सारी स्थितियां अच्छी रहेंगी। आज हंसी मजाक भी खूब करेंगे पार्टनर और समय पता ही नहीं लगेगा पूरा दिन कैसे बीत गया। आज के दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग समझ जाएं कि यहां पर आज के दिन भी अगर वो अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं तो पार्टनर भी ईगो दिखाएंगे, आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। आज के दिन सबसे अधिक मात्रा में स्थितियां मैरिड लाइफ में अच्छी हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई गलती हुई थी तो आज आपसे माफी मांगी जाएगी। अगर आपका अपमान कर दिया था, आपके परिवार वालों का अपमान कर दिया था, तो आज हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए नजर आएंगे और रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। अगर डाइवोर्स इत्यादि के केस चल रहे हैं तो आपको वहां पर देखा जाएगा कि आज के दिन कुछ सुझाव दिए जाएं और कुछ स्थितियों में बदलाव हो करके आपकी मैरिड लाइफ में भी एक परिवर्तन पॉजिटिव वे में आ जाए। और सबसे अच्छी बात है कि मैरिड लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में झगड़े बच्चों की वजह से हो रहे थे, बच्चों के करियर की वजह से हो रहे थे, जिम्मेदारियों की वजह से हो रहे थे, तो आज वो सारे झगड़े शांत होकर के, अलग होकर के हर प्रकार से स्थितियां बदल जाएंगी और आपके लिए बड़ा परिवर्तन वाला दिन माना जाएगा। आप इस दिन को हमेशा याद रखेंगे कि इस दिन ने आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है। बहुत अधिक मात्रा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन यहां पर शाम के वक्त में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको खास करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई अजनबी व्यक्ति के साथ में अफेयर हो करके अचानक से अफेयर और उसके साथ में फिजिकल हो जाना, मतलब किसी अजनबी के साथ में फिजिकल होना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा आज अपने वाणी पर, अपने खास करके बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने कोई गलती करी तो बहुत बड़ा भुगतान आपको करना पड़ेगा। आपकी लव लाइफ में आज के दिन पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हुए नजर आएंगे, मजाक मजाक में बार बार ब्लॉक करके चले जाएं, कुछ घंटे बातचीत हो कुछ घंटे फिर से ब्लॉक हो जाएं, तो स्थितियां पूरे दिन ऐसे ही परिवर्तित होती रहेंगी जिसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको पार्टनर पर गुस्सा आएगा बहुत। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति में नो कॉन्टैक्ट में ही रहने वाले आज कुछ भी कर लें, अब पार्टनर ऐसा पता लग जाएगा, अब आपको आभास हो जाएगा कि पार्टनर हमेशा के लिए जा चुका है और वो अब लौट कर आना नहीं चाहता है। अब आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होने वाला है अगर आपने कोई गलती की है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थितियां अगर बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये मानना बंद कर दीजिए कि आपने कोई गलती की है, ये बहुत जरूरी है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको काफी प्यार मिलेगा,
और आज के दिन पार्टनर आपको घुमाने के लिए कहीं घूमने टहलने के लिए और आपको समय देंगे, कहीं ना कहीं आज वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन कुछ नाजायज गुस्सा आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता है, कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा आपको गुस्सा दिला सकती है, तो ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो फिर यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाती हैं। आज के दिन आपको कोई रिश्ता आ जाए, कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर लव लाइफ में आपके पार्टनर कोई शादी का कमिटमेंट मजाक मजाक में दे सकते हैं, जिस पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरेगी। मैरिड लाइफ में भी बड़ा बदलाव होगा। मैरिड लाइफ में बस इस चीज का ध्यान रखिए कि पार्टनर की मजाक की बातों को मजाक में ही लीजिए। मजाक की बातों को सीरियस लेंगे तो बहुत झगड़ा हो सकता है और किसी थर्ड पार्टी की भी स्थिति इसमें आपको नजर आने लगेगी। बल्कि कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपको थर्ड पार्टी से ही परेशानी हो, लेकिन ऐसी कोई थर्ड पार्टी होगी नहीं आज के दिन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आप किसी भ्रांति के चलते, कोई गलतफहमी के चलते परेशान हो सकते हैं और पार्टनर को बिना बात के बहुत कुछ सुना सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति मिलेगा या आप किसी के साथ में ऐसे व्यक्ति के साथ में फ्लर्ट करने लगे जो पहले से ही किसी के साथ कमिटेड हो और वो आपको भी धोखे में रखे और आपको भी अपना ले, तो ये जान करके आपको उससे इमोशनल हो गए या ऐसी स्थिति में आज हैं, किसी के साथ इमोशनल हो गए, तो आज थर्ड पार्टी के बारे में पता चल जाएगा। मतलब थर्ड पार्टी के रिश्ते में पड़ना, आप खुद थर्ड पार्टी बन जाना, ये स्थिति आज के दिन आपकी हो सकती है। लव लाइफ में आज बहुत ज्यादा बहस की स्थिति बनेगी, झगड़े बहुत होंगे और एक दूसरे को बिना बात के दोषी ठहराएंगे, एक दूसरे को अपनी करियर, अपनी जिंदगी में परेशानियों का कारण बताएंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी बहुत ज्यादा बहस और झगड़े की दिख रही है। यहाँ पर भी आपको कोई सुझाव बदलाव स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन मैरिड लाइफ में आज के दिन डाइवोर्स के केस इत्यादि चल रहे हैं, जिनके झगड़े तगड़े हो चुके हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव जरूर देखा जाएगा सकारात्मक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपको पार्टनर से कोई गिफ्ट मिलेगा, लेकिन उस गिफ्ट को किसी व्यक्ति को पता चलने के चलते आपके पार्टनर आप पर वो गुस्सा भी दिखाएंगे गिफ्ट देने के बाद में, तो ये स्थिति है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत प्यार मिलेगा, गिफ्ट उपहार मिलेंगे, पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, पार्टनर के लिए खर्चे भी करने पड़ सकते हैं और पार्टनर भी आपके लिए खर्चे कर सकता है। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा पार्टनर से मुलाकात करने का मन करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थितियां बहुत ज्यादा सुधरने वाली है। मैरिड लाइफ में आज के दिन अचानक से पार्टनर आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करने लगेगा कि आप सोचेंगे कि आज के दिन क्या हुआ है, आज का सूर्य पूरब से नहीं निकला है, पश्चिम से निकला है, तो आपको बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पर डाउट होने लगेगा। लेकिन आज प्यार की वजह है कहीं ना कहीं उनके अंदर सुधार आपको देखने को मिलेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थितियां अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहां पर भी आज बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, पार्टनर से बात होने वाली है बहुत दिनों बाद, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा इमोशनल व्यक्ति मिलने वाला है, जो बहुत ही पारिवारिक हो, जो बहुत ही अपनी और अपने परिवार की और आपकी केयर करने वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको शादी के लिए सीधा प्रपोज करने वाला है। आज के दिन लव लाइफ में आपकी पार्टनर शिकायतें दूर करेंगे। अगर पार्टनर आपको टाइम नहीं देते तो आज पूरे दिन आपको ही टाइम देंगे। आज के दिन वो अपना काम भी छोड़ देंगे लेकिन आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी सुधरने वाली है। मैरिड लाइफ में पार्टनर कलह कर सकता है, कलेश कर सकता है, जिस वजह से परेशानी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी तरफ से कोई बड़ी गलती हो सकती है, जिसके बदले में पार्टनर आपसे बदला लेना चाहेगा और ईगो दिखाएगा और उस चक्कर में आप दोनों ही परेशान रहेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत अच्छा कोई दोस्त मिल सकता है। लव लाइफ में आपको अचानक से पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा हो सकता है और कोई कमिटमेंट आप दे सकते हैं। आपकी
मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको कोई गिफ्ट उपहार दे करके स्थितियां सुधरने वाली हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर सभी प्रकार के रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज्यादा पार्टनर बनाने के लिए मन करेगा, किसी से बात करने का मन करेगा, अपना बहुत ज्यादा जो तकलीफ है लाइफ की उसे शेयर करने का मन करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं बन पाएंगी और अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ जाना भी चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। आपकी लव लाइफ में पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा सताएगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और आपकी मैरिड लाइफ की स्थितियाँ आज कुछ वाणी की अभद्रता की वजह से बिगड़ सकती हैं। इसलिए गुस्सा बिल्कुल ना करें और कोई भी वाणी से ऐसा शब्द ना निकालें जिससे बवाल मच जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर आपको पार्टनर से कोई बहुत अच्छा कमिटमेंट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, आज घूमने फिरने जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो अकेलापन परेशान करेगा लेकिन आपको फिर भी एक उम्मीद रहेगी आगे स्थितियाँ अच्छी होने की। आज के दिन लव लाइफ में पार्टनर पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आज के दिन पार्टनर किसी के साथ फ्लर्ट कर सकता है, किसी अजनबी के साथ में दोस्ती कर सकता है जो आपकी थर्ड पार्टी आगे साबित होने वाली है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति सही नहीं है। मैरिड लाइफ में पार्टनर टॉर्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी बन जाएंगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नाजायज गुस्सा, झगड़े, वाद विवाद और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आप पर एहसान जताएं कि मैंने उन आपके लिए ये किया है, वो किया, तो ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सिंगल हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आज फ्लर्ट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति होगा और उसके साथ में फ्लर्ट करके आप फिजिकल बातें करेंगे पहले ही दिन में, आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आप और आपके किसी भी प्रकार से व्यक्ति को तकलीफ हो। आपको बहुत ज़्यादा आज किसी दोस्त पर गुस्सा आ सकता है और आपको अचानक से लव लाइफ में भी कोई बड़ा झटका लग सकता है, ब्रेकअप जैसी स्थिति भी हो सकती है, नो कॉन्टेक्ट में भी जा सकते हैं, आपके पार्टनर या आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत जोर जबरदस्ती करने पर आप पार्टनर पर गुस्सा दिखाएंगे और उसे ब्लॉक कर देंगे। बहुत स्थितियां मैरिड लाइफ में भी अच्छी नहीं है, झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी की और किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को भी दिखाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अचानक से आपके पार्टनर का व्यवहार बदल जाने के चलते आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, छटपटाएंगे, गुस्सा आएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति में बड़ा बदलाव आपके लिए और मैरिड लाइफ में आपको पार्टनर से गिफ्ट उपहार मिलेगा, आज कहीं मुलाकात कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए परमिशन दे सकते हैं, कोई परमिशन मांगनी है आज के दिन मांग सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर आपका दिल दुखाएगा और मजाक मजाक में ही कुछ ऐसी बातें बोल जाएगा जो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर मजाक में बात बोलें तो बर्दाश्त कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करेंगे। अगर आप ऑफिस इत्यादि में या अपने आसपास में किसी व्यक्ति को प्रपोज करेंगे या किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे तो आपका अपमान भी हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लव लाइफ में हो सकती है, लव लाइफ में पार्टनर इग्नोर भी करेंगे और अचानक से ब्लॉक कर देंगे। आपके लिए मैरिड लाइफ में पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, समय नहीं देंगे और अपने पेरेंट्स की बात ज़्यादा मानेंगे, आपके लिए कुछ भी आपकी केयर नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जिस वजह से आप आज भी परेशान रहेंगे। आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होंगी जिसे आप बहुत ज़्यादा आज के दिन में एक अच्छे रूप में मान सकते हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों आज के लव राशि फल की। अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर ये लव राशि फल देख रहे हैं तो आप इस पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।